स्वागत है बेलीज में, बेलीज के सिटी कोजल में। मेरा पहला एक यूएस डॉलर होता है दो बेलीज। स्टैंप मिल गया है, मैंने बोला दो हफ्ते के लिए मुझे एक $500 फाइन। 500 को घुसना था क्योंकि किसी ने बेलीज नहीं दिखाया ठीक से, तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को तो शायद बेलीज इस कंट्री का नाम भी नहीं पता होगा। पहले जाना जाता था ब्रिटिश होंडुरस के नाम से, फिर 1981 के बाद बेलीज को इंडिपेंडेंस मिल गया। और ये नॉर्थ अमेरिका का एक छोटा कंट्री है जिसका बॉर्डर शेयर होता है ग्वाटेमाला और मेक्सिको के साथ। और मैं मेक्सिको ट्रिप कंप्लीट करने के बाद बकालार से बॉर्डर क्रॉस करके घुस गया यहाँ पे क्रोजोल पे और फिर पहुंच गया सिटी ऑफ ऑरेंज वॉक। लेट्स एक्सप्लोर सेंट्रल अमेरिका, बेलीज, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। इस सीरीज में दिखाने वाला हूँ मैं पूरा सेंट्रल अमेरिका जहाँ पे मैंने रोड ट्रिप किया था टोटल 80 दिन और स्पेंड किया 1,00,000 से भी कम और देखे 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज सारे बाय क्रॉसिंग लैंड बॉर्डर्स एंड हैविंग फन ईटिंग एंड एंजॉयिंग एंड पार्टिंग। सो लेट्स एक्सप्लोर सेंट्रल अमेरिका विद एक्सप्लोरर राजा। तो एग्जिट इमिग्रेशन हो गया, ये नदी क्रॉस किया हम लोगों ने और आगे बेलीज में। पे विद कार्ड इट्स ओके राइट। तो मैं जिस टाइम पे बेलीज जा रहा था, बेलीज में था कोविड के बहुत रेस्ट्रिक्शंस और बहुत सारे पंगे थे। मेरे को स्पेशल होटल्स बुक करना था और बॉर्डर पे टेस्ट करना था, टेस्ट के लिए वेट करना था और बहुत एक्सपेंसिव था ये पूरा एक्सपीरियंस। बट मैंने जैसे जैसे गवर्नमेंट को चकमा दे दिया और कम पैसे में निपटा लिया। $50 $50 का टेस्ट हो गया। बहुत कुछ हो रहा है यार, मतलब कुछ ठीक ठाक हो जाए मैं बता दो। अभी टेस्ट कर लिया, 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। बाकी ये है बेलीज का बॉर्डर, ये है कस्टम्स वाला एरिया। बॉर्डर आप पैदल क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो बट बहुत लंबा है, धूप में बहुत मुश्किल है। टैक्सी लेना पड़ेगा, टैक्सी का मैंने टोटल दिया 70 पेसो बेलीज बॉर्डर तक। वहाँ से आया यहाँ पे इस गाड़ी में जिसके लिए मुझे देने पड़ेंगे $35। समझ रहे हो, $35 सिर्फ 5-6 किलोमीटर का देना पड़ेगा मुझे $35। स्टैम्प मिल गया है, मैंने बोला दो हफ्ते के लिए, मुझे एक महीने का मिल गया। तो अपने देश में स्वागत है, नए देश में। सो इज माय गोल्डन टैक्सी ड्राइवर, गोल्डन टैक्सी ड्राइवर है भाई साहब, इसको भी पटाना पड़ेगा मेरे को। हिज ग्रैंडफादर वाज फ्रॉम इंडिया, ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर grandfather was from India, from Kolkata he said. Interesting है ये पूरा देश, interesting है। पर इनका नाम सोलोमन है, तो it's not a Indian name. Yeah, that's why. Oops. Okay. That's why I know he came from slave, because in those days you got to take the master name. That's an English master. Ah, master's name. Okay. Yes, but now everything is very good here, right? Everyone is... no? The world is full of good and bad people. Oh, shit. But we have less bad people because we have little bit of people. See. Population here is only 4.5 lakh. How much do you think is the population? Oh, 450,000. 375,000. It's less. This is the sign of Belize. Welcome to my country number 44. Belize. स्वागत है, अभी भी थोड़ा पंगा है, जब पहुंच जाएंगे कहीं पे तब बताएंगे। My friend, it's open, na? So what is the name of the currency here? Belize dollars. भाई यहाँ भी यूज़ होता है बेलीज डॉलर। एक यूएस डॉलर होता है दो बेलीजन डॉलर, मतलब आधा प्राइस, मतलब एक बेलीज डॉलर हो गया तकरीबन 37 इंडियन रुपीस मोरलेस, नो 38 आज के डेट में। और अभी हम लोग जा रहे हैं कोरोजल पहला शहर, और ये मेरे को होटल में डालने वाला है, बट मेरे को इसको
चकमा देकर निकलना है. हाउ मेनी टाइम्स यू गो इन अ डे? तो एक गोल्ड सर्विस ड्राइवर का काम है मेरे को अपने गोल्ड सर्विस होटल के अंदर घुसा देना. मैंने जो गोल्ड सर्विस होटल मेंशन किया था बॉर्डर पे, मेरा एक्चुअली वहाँ पे कोई बुकिंग है ही नहीं. मैंने फेक बुकिंग लिया यूजिंग booking.com और अभी मैं इससे बातें कर रहा हूँ ताकि ये मुझे होटल पे नहीं किसी रेस्टोरेंट पे छोड़ दे या फिर किसी सुपर मार्केट छोड़ दे जहाँ पे मैं थोड़ा खाना खरीद सकता हूँ, क्योंकि ये कोविड वाला रूल बहुत ही महंगा था और बहुत ही पंगा था. एंट्री हो चुकी है, सब बताता हूँ तुमको. तो बेलीज में पहले कोविड का भूल जाते हैं, पहले नॉर्मल बातें करते हैं, ठीक है. बेलीज में अगर आपके पास शेंगन वीज़ा हो और आपके पास हो US वीज़ा, तो आप बेलीज में एक महीने के लिए वीज़ा फ्री आ सकते हो. उन्होंने मेरा शेंगन वीज़ा चेक किया, नहीं है. उन्होंने मेरा US वीज़ा चेक किया, सही है. पासपोर्ट में स्टैप मार दिया 30 दिन के लिए. सिंपल हिसाब है. पीछे देख रहे हो सब, ये कंट्री कैरिबियन में भी आता है, ये कंट्री सेंट्रल अमेरिका में भी आता है. ये दोनों का पार्ट है, ये कॉमनवेल्थ का भी पार्ट है, क्योंकि ये पुराना ब्रिटिश कॉलोनी था. तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बैक टू इंग्लिश. तो हम लोग इंग्लिश में थे US में, फिर आगे स्पेनिश मेक्सिको में, फिर से आगे इंग्लिश वाले कंट्री में बेलीज में. ये पूरा देख सकते हो, ये कैरिबियन का वही पानी है जो मेक्सिको में कैनकुन में आप देखा था. सुंदर पानी, नीला पानी, यही पानी चलेगा. हम लोग हैं कोजाल स्थिति में. अभी कोविड में क्या रूल है? कोविड में पूरे सेंट्रल अमेरिका में सारे कंट्रीज ही लूज है. अगर वैक्सीनेटेड हो तो कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं, बट बेलीज सबसे टाइट है. पर मेरे को घुसना था क्योंकि किसी ने बेलीज नहीं दिखाया ठीक से, तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को. आप लोगों को तो शायद बेलीज इस कंट्री का नाम भी नहीं पता होगा. मैं इस कंट्री में अभी एंट्री ले चुका हूँ. मेरा कंट्री नंबर 44 है जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, बेलीज. तो बेलीज में अभी जो कोविड वाले ख़राब रूल्स है वो है, घुसने के टाइम एंटीजन टेस्ट कराना पड़ेगा, $50 देंगे. अच्छा, मैंने टेस्ट करा लिया, उससे कट गए मैं 3,800 रुपये बैंक से गए. फिर आपको 3 दिन का गोल्ड स्टैंडर्ड होटल या फिर हॉस्टल बुक करना पड़ेगा. तो ऑलमोस्ट सारे होटल या हॉस्टल booking.com में गोल्ड स्टैंडर्ड है, बट सब में क्रेडिट कार्ड चाहिए था. मुझे एक में मौका मिल गया था, पीछे ही होटल है मेरा, होटल नाम का कुछ है मीरादोर होटल. मीरादोर में मैंने बुकिंग कर लिया गलत क्रेडिट कार्ड का नंबर देके. तो बुकिंग ले लिया था और उसने बताया कि 2 घंटे के अंदर क्रेडिट कार्ड अपडेट कर दो वरना तुम्हारा बुकिंग कैंसिल हो जाएगा. तो उसी 2 घंटे के अंदर मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया. तो बॉर्डर पे मैंने उन्होंने पूछा कौन से होटल जा रहे हो, होटल मीरादोर. पता है मीरादोर का रेट कितना है? $50 पर डे, 3 दिन का $150 लग जाता. $150 3 दिन होटल का, US में भी मैं नहीं रहा. सस्ते ऑप्शन थे बट इस सिटी में नहीं थे. हम लोग जो क्रोजोल सिटी में बॉर्डर के पास वाला सिटी, यहाँ पे सस्ते ऑप्शन नहीं है. सस्ते ऑप्शन से ऑरेंज वॉक पे और आइलैंड वाले अच्छे अच्छे आइलैंड्स पे, जहाँ पे हम लोग बाद में जाएंगे, जहाँ पे मुझे काउच सर्फिंग होस्ट भी मिल गया है. तो वहाँ पे $15-16 का ऑप्शन है, बट हम लोग वो सारे ऑप्शन नहीं ले पाते. क्यों? लोग यहाँ पे अच्छे हैं. $15 का मैं बुक कर सकता था पर मैंने किया नहीं, क्योंकि अगर आप $15 का बुक करते हो तो आपको उस शहर तक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा. अभी शहर कौन सा है? बॉर्डर से जो ऑरेंज हुआ के फिर दूसरे शहर है वो बहुत दूर है. बॉर्डर से बेलीज सिटी का चार्ज है $180 और बॉर्डर से ऑरेंज हुआ का चार्ज है $120. तो मेरे को इतना पैसा भी नहीं देना था. बॉर्डर पर मैंने अपना फेक बुकिंग दिखा दिया और फेक बुकिंग से उन लोगों ने मुझे एंट्री दे दी. टेस्ट भी करा लिया, नेगेटिव आ गया. अभी क्या टेंशन है तुम लोगों को? हाँ, नेगेटिव करा लिया, अभी होटल में रहो या पे रहो. और रूल भी ऐसा है कि पूरा स्टे में तुमको गोल्ड स्टैंडर्ड में नहीं रहना पड़ेगा, सिर्फ तुमको 3 दिन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड में रहना पड़ेगा, मतलब कुछ भी. अभी मेरा होस्ट है ऑरेंज वॉक पे, ऑरेंज वॉक सिटी पे. तो उस सिटी पे हम लोग जाएंगे यहाँ से बस लेके. बस का शायद $3-4 लगेगा खर्चा. और अभी एक ठंडा ही पीते हैं. तो ये बस स्टेशन और बस लेके हम लोग को जाना है ऑरेंज वॉक. स्वागत है बेलीज में, बेलीज के सिटी कोजल में, मेरा पहला शहर, बॉर्डर के पास वाला शहर जहाँ पे मैं बॉर्डर से इसके आ गया. तो बता दो, बेलीज में टाइम चलता है मेक्सिको सिटी वाला टाइम, वही वाला टाइम जिसे सेंट्रल अमेरिकन टाइम भी कहते हैं. और
अभी यहाँ पे बज रहे 2:35, 3 बजे है मेरी बस टू ऑरेंज वॉक, और इंडिया में बज रहे 2 बज, तो रात के 2, तो डिफरेंस आपको पता चल गया कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे यूज़ किया जाता है बेलीजियन डॉलर, $1 बेलीजियन होता है आधा अमेरिकन डॉलर, यानी कि 35 रुपये। और क्या बताना है आपको, कंट्री में बहुत सारे जमैकन्स हैं। यहाँ पे जो इंग्लिश यूज़ किया जाता है बहुत इसी को जमैकन इंग्लिश कहा जाता है, इंग्लिश जैसा ही है बट थोड़ा तेज़ बात करेंगे तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं एक ठंडा लेने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत राहत मिल गया है, आज़ादी मिल गई देश में मैंने बॉर्डर पे जो कांड किया उसके बाद। सस्ता कुछ नहीं दिख रहा यार, तो एक बिस्किट और एक कोल्ड ड्रिंक ले लिया मैंने, एक जूस लिया है उसका पड़ा $3 बेलीजियन 25 सेंट्स, मतलब 38 से मल्टीप्लाई कर लो, जब भी मैं अभी डॉलर बोलूँ बेलीजियन डॉलर तो 38 से मल्टीप्लाई कर लेना, 3.25, बहुत महंगा है। ऑरेंज एक्चुअली द कोस्ट इज डाउन देयर। तो भाई हम लोग बस में बैठ गए, बस का हालत देखो, पुराना स्कूल बस लग रहा है अपना। ये ब्राज़ीलियन भाई भी उधर ही थे बॉर्डर पे, इनके साथ एक अच्छा इंसिडेंट हुआ। नमस्ते वेस्ट, नमस्ते, हाँ स्वागत है एक नए अमेजिंग कंट्री में बेलीज में। हम लोग जा रहे हैं अभी कोजाल से ऑरेंज वॉक तक, 1 घंटा दिखा रहे ड्राइव का गूगल मैप्स। मैंने सिम कार्ड नहीं लिया, एक सिम कार्ड आ रहा था टोटल $15 का, अमेरिकन डॉलर का, मतलब 30 बेलीजियन डॉलर का, और उसमें मेरे को मिल रहा था 2 GB डेटा 7 दिन के लिए। देखते हैं एक दो कंट्री बिना सिम कार्ड के भी निकाल लेते हैं, मेरे को लगता है 7 दिन रहूँगा इधर, 7 से 10 दिन, तो बिना सिम कार्ड के काम बन जाएगा आशा करता हूँ, वो अलग ही एडवेंचर रहेगा। अभी लोगों को अंग्रेजी आती है तो टेंशन नहीं है। तो ये लोग जा रहे हैं ऑरेंज वॉक अपने होस्ट के घर, और फिर दिखाते हैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन पता चला अभी विलेज के बारे में। अभी अच्छा लग रहा है, अभी ना अभी लग रहा है कि हमने इस कंट्री का समुद्र बहुत सुंदर है, और पूरा कोस्टल कंट्री है और पूरा ट्रॉपिकल है, पूरे पेड़ों से भरती है, जंगलों से भरती है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। थोड़ा थोड़ा तो इंडियन वाइब है क्योंकि बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे आए थे, उनके बारे में मैं बाद में बताऊँगा, कभी कोई इंडियन मिल गया तो। तो ये है ऑरेंज वॉक का बस स्टेशन, मेक्सिकन बॉर्डर से शुरू होकर ये पहला बड़ा शहर आता है ऑरेंज वॉक। क्या करना है नहीं करना है नहीं पता, बस मेरे को इतना था कि एक तो अच्छा शहर में जाकर थोड़ा एडजस्ट कर लूँ फिर आगे बढ़ेंगे। तो सामने है कब्रिस्तान और होस्ट का घर सामने ही, 3 ब्लॉक दूर है। बस पंगा ये है कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो उसको मैंने बताया नहीं कि मैं कब आ रहा हूँ, हमें इंटरनेट ढूंढना पड़ेगा कहीं पर भी। कोई रेस्टोरेंट से जाके पूछता हूँ, लोग तो अच्छे हैं, आशा करता हूँ अच्छे हैं, यही आशा रहता है हर कंट्री में हम लोग जाते हैं ना कि लोग अच्छे रहे। मेक्सिको में इतना दिन लोग बहुत अच्छे थे, मेरे को मेक्सिको से जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसे मेक्सिको खड़ा रहा, बेलीज से महंगा एक्सपेक्टेशन था, चलो देखते हैं, कुछ टारगेट नहीं है, खर्चा करते घूमते देखते दिखाते हैं एक्सप्लोर करते हैं, आप लोग एक्सप्लोर करते रहो आपके एक्सप्लोर राजा के साथ नए नए देश। आई हैड दिस कर्फ्यू आफ्टर 11? यस। ओके।
And do we need to wear masks in the streets alone walking? You don't, it's a $500 fine. $500 is like 250 US. Yeah. Oh, that's crazy. Which one can I take? तो शाम के अभी 4:45 बज रहे हैं, हम लोग निकल गए थोड़ा वॉक पे, मुझे लॉन्ड्री करना है, लॉन्ड्री का जगह ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पे कितना खर्चा है ढूंढना पता करना पड़ेगा। और मेरे जो काउचसर्फिंग होस्ट थे, एक्चुअली उनका हॉस्टल भी है, सबसे सस्ता हॉस्टल सिटी में उनका ही है, $13 का। निकला हूँ ऑरेंज वॉक को एक्सप्लोर करने। मैंने पता किया ऑरेंज वॉक, मैंने पूछा ऑरेंज वॉक क्यों नाम है इसका, क्योंकि बहुत सालों पहले यहाँ पे ऑरेंज का खेती चलता था, बहुत ऑरेंज की खेती चलते थे, तो ऑरेंज की खेती करते करते इसका नाम ऑरेंज वॉक हो गया। फिर अभी यहाँ पे ऑरेंज का खेती नहीं होता है, अभी यहाँ पे होता है गन्ने का, तो इसे शुगर सिटी भी कहते हैं कभी कभी। बाकी देखते हैं, साई बाबा इंडियन रेस्टोरेंट सामने ही है, बट खुला है कि बंद है पता नहीं, देखते हैं, पता करते हैं। मार्क्स ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स अगर नहीं बनो तो $500 का फाइन लगेगा। हाय, द रेस्टोरेंट इज इस वीडियो में मैंने बस अपना चेहरा ज़्यादा दिखाया और थोड़ा बोरिंग बन गया वीडियो, बट अगला वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, मिलेंगे बहुत सारे इंडियंस को और एक्सप्लोर करेंगे बेलीज। अजीब कंट्री के बारे में नहीं, मेरे भाई को किसी ने बुलाया था यहाँ पे, कहाँ पे, शुरू में नौकरी करी तो उसने पैसा बना बना